केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रदेश की दो बड़ी और प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक झुंझुनू की स्कूल के टीचर द्वारा किए गए कुकर्मों के कारण अब उसे जेल काटनी पड़ेगी। झुंझुनू में आज आरोपी शिक्षक रविंद्र सिंह शेखावत को जेल भेज दिया गया, जिस पर 12 बच्चों के साथ कुकर्म करने का आरोप है। 2 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहे शिक्षक ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर आज झुंझुनू के कुकर्मी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट में कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि झुंझुनू के दोरास्तर में संचालित केंद्र सरकार के एक प्रतिष्ठित स्कूल से जुड़ा यह मामला था। अंग्रेजी के टीचर ने पिछले 1 साल में करीब 1 दर्जन बच्चों के साथ कुकर्म किया। आरोपी शिक्षक झुंझुनू के ही काली पहाड़ी गांव का रहने वाला है, लेकिन उसका जो परिवार है लंबे समय से बीकानेर में है। बता दें आपको कि सैनिक स्कूल के 1 दर्जन छात्रों के साथ कुकर्म का ये मामला था। शिक्षक को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया, कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा आरोपी की पैर। सैनिक स्कूल के 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों के साथ कुकर्म का यह मामला है। आपको बता दें कि कोई भी अधिवक्ता आरोपी के पैर भी नहीं करेगा। सैनिक स्कूल के 1 दर्जन छात्रों से कुकर्म का मामला है। शिक्षक को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया और झुंझुनू से रविंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। रविंद्र, क्या कुछ था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये एक स्कूल का मामला है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ पर 12 बच्चों के साथ कुकर्म हुआ था। इस मामले में 2 दिन से जो आरोपी शिक्षक था वो रिमांड पर था। आज उसकी रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं कुछ खुलासे भी हुए हैं पुलिस जांच में कि ये जो बच्चों को है वो डरा के रखता था और उनके साथ अपने क्वार्टर पर बुलाकर, यानी अपने जो मकान है जो स्कूल कैंपस में ही है उसमें बुलाकर उनके साथ कुकर्म किया करता था। जी मामला था, बहुत शुक्रिया रविंद्र जानकारी के लिए। तो बता दें कि सैनिक स्कूल के 1 दर्जन छात्रों से कुकर्म का मामला था और इस मामले में अब कोई भी अधिवक्ता आरोपी की पैरवी नहीं करेगा, पॉक्सो कोर्ट में उसे पेश किया गया है। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।